Hello everyone, in this video lecture of Digital Communication and Communication Engineering, I am going to discuss MSK. MSK stand for Minimum Shift Keying. So in this video, I will discuss the waveform of MSK for a binary bit sequence, then I will discuss its transmitter, then receiver, then constellation diagram for MSK. After that, I will discuss bandwidth of MSK, and last I will discuss probability of error for MSK. This मॉड्यूलेशन टेक्निक कैन बी यूज फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम. ठीक है, एंड इन केस ऑफ MSK एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा, एंड इन केस ऑफ MSK देयर इज नो अड्रप्ट चेंज इन एम्पलीट्यूड, जो कि हमारा QPSK में होता था जब हम सिंबल्स को ट्रांसमिट करते थे. ठीक, मीन्स कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ CPFSK. CPFSK स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग. नाउ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फेज तो हमने बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस रहेगा, एंड फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होंगे वो बहुत माइनर चेंजेस होंगे, बहुत थोड़े से चेंजेस होंगे. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मिनिमम शिफ्ट किंग. ठीक है, एंड जो CPFSK है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम. ठीक, MSK को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं लाइक लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम एज वेल. इन दैट केस दिस इज कॉल्ड ऑफसेट QPSK, ऑफसेट क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग. ठीक, नाउ अब इसमें जो हमारा चेंजेस नहीं हो रहा है एम्पलीट्यूड में, तो ऑब्वियस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसकी अच्छी होगी. MSK इज यूज्ड इन GSM. इन केस ऑफ MSK फेज इज कंटिन्यूअस. इफ फेज इज कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई क्या होगा कि देयर इज नो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. कि हम बिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे विथ स्मूथ कैरियर, दैट्स वाई सेकेंड एडवांटेज इज नो अड्रप्ट चेंज इन आउटपुट वेव. ठीक है, नाउ अब हम सबसे पहले इसकी वेवफॉर्म देखते हैं. ये सीक्वेंस ले लेते हैं 110001, आप कुछ भी ले सकते हो. तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी वेवफॉर्म. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे इन फॉर्म ऑफ पल्सेस, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइन कोडिंग. लाइन कोडिंग यूज करेंगे हम एनर्जर टेक्निक. इन दैट केस 1 को हम शो करेंगे विथ प्लस वी एंड 0 को शो करेंगे विथ माइनस वी. ठीक है, सीक्वेंस हमारा क्या है 1 1 0 0 0 1 1 1. ठीक है, तो फॉर दिस इज प्लस वी, दिस इज माइनस वी. 1 फॉर 1 बिट ड्यूरेशन, 1 फॉर नेक्स्ट बिट ड्यूरेशन, देन 0 मीन्स माइनस बी, अगेन 0 माइनस बी, अगेन 0 माइनस बी. नाउ नेक्स्ट इज 1 मीन्स 1 देन 1 एंड देन 1. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज बीटी. अब हम इन बिट्स को अलग करेंगे ऑड बिट्स एंड इवन बिट्स को. नाउ जो नंबरिंग हम शुरू करेंगे ऑड इवन की, हमारा जो नंबर है ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स की जो हमारी ऑड बिट्स हैं वो कौन सी हैं 1 3 5 7. ठीक है, तो नाउ अब अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें ऑड वाले बिट स्ट्रिंग को. ठीक है, तो पहले तो हम ये ले लेते हैं. मींस कि टीबी ड्यूरेशन, 1 बिट ड्यूरेशन शुड बी सेम फॉर ऑल बिट्स. ठीक, नाउ अब हम इसको ऑड और इवन में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारी ये क्या होगी, बी ऑड टी. ठीक है, फर्स्ट बिट मींस कि 1, दिस इज 1 ऑड हुआ. ठीक, नेक्स्ट बिट इवन है तो हम इवन पे कब जाएंगे, हम नेक्स्ट ऑड पे जाएंगे. नेक्स्ट ऑड इज 0 मींस कि ये 1 पर रहेगी फॉर 2 ड्यूरेशन, 2 बिट ड्यूरेशन. ठीक, देन 0 है मींस 0, थर्ड बिट 0. ठीक, तो 2 बिट ड्यूरेशन लेगी. देन नेक्स्ट 0 अगेन, तो ये 0 पर रहेगी फॉर 2 बिट ड्यूरेशन. बिकॉज 2 बिट ड्यूरेशन क्यों, क्योंकि इवन बिट अलग ट्रांसमिट हो रही है. नाउ नेक्स्ट ऑड बिट इज 7th बिट. 7th बिट पर हमारा क्या है 1. ठीक है, 1 मींस कि ये और ये कितनी देर के लिए रहेगा, फॉर 2 बिट ड्यूरेशन. हमारी होगी बिट 1, दिस इज बिट 3, दिस इज बिट 5 एंड ये हमारी बिट 7 है. ठीक है, के लिए बनाएंगे तो इवन पे हमारी 2 4 6 एंड 8 ये बिट्स हैं. ठीक, बट अब हमारी इवन बिट जो स्टार्ट हो रही है वो सेकंड से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे बिट इवन टी स्टार्ट हो रही है सेकंड से. वैल्यू क्या है इसकी 1, तो ये फॉर 2 टीबी ड्यूरेशन 1 पे रहेगी. देन फोर्थ बिट पर क्या है 0, नेक्स्ट इवन बिट इज 0 मींस फॉर 2 बिट ड्यूरेशन 0. नेक्स्ट 6 पर क्या है 1 मींस कि फॉर 2 बिट ड्यूरेशन 1. नेक्स्ट 8 पर क्या है 1 मींस कि ये 1 रहेगी फॉर 2 बिट ड्यूरेशन. ऑड को हमने सेपरेट किया, इवन को सेपरेट किया. सबसे पहले हमने क्या किया, बाइनरी बिट को पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. आफ्टर दैट हमने
ऑड बिट की पल्सेस को, इवन बिट के पल्सेस को, दोनों को सेपरेट किया. इवन एंड ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस एंड साइन. तो ऑड को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस एंड इवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन. मल्टीप्लीकेशन जो हमारे होंगे, दोनों बिट हमारी कंबाइन कहां पे मिल रही हैं, एस वाले ड्यूरेशन में, तो मैं यहीं पर शो करूंगी. तो साइन जब हम शो करेंगे तो वो कैसी होगी, इज साइन 2πt बाई 4tb. ठीक है. नाउ अब हमें चाहिए कॉस, तो कॉस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारी होगी ब्लू वाली कॉस. इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी कॉस 2πt डिवाइडेड बाई 4tb. ठीक है. नाउ अब हम ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस एंड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन वेव. यहां पर हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन एंड दिस. मीन्स की दिस इज बी ऑड टी कॉस 2πt डिवाइडेड बाई 4tb. ठीक है. नाउ अब यहां पे जो हमारी फर्स्ट पल्स है वो क्या है, 1 फॉर 2 बिट ड्यूरेशन. ये हमारी हाफ है, मीन्स की इसके पहले क्या रहा होगा, ऐसे ना 0 से यहां तक जाएगी. मीन्स की जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी हमारी, दिस इज 1 मीन्स 1. ठीक है. नाउ ये बनता नेक्स्ट हमारी जो ऑड बिट है ये क्या है, माइनस. ये माइनस मल्टीप्लाई होगी विद दिस माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑड बिट हमारी क्या है, अगेन माइनस. एंड इस ड्यूरेशन में जो हमारा कॉस का टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव. माइनस एंड प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस मीन्स की हमें क्या मिलेगा, दिस वन. ठीक है. नाउ अब यहां पर जो नेक्स्ट बिट है दैट इज 1 और यहां पर जो सेम है इस ड्यूरेशन में दैट इज माइनस. मीन्स 1 इंटू माइनस 1 क्या मिलेगा हमें, माइनस. ठीक है. तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन के बाद वेवफॉर्म. नाउ अब हम सेम वे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इवन को विथ साइन. यहां पर हमारी क्या होगी, ई टी साइन 2πt बाई 4tb. ठीक है. नाउ अब हमारा साइन कहां से मिल रही है पल्स, यहां से. ठीक. नाउ साइन मीन्स कि हम किसको देखेंगे, ब्लैक वाली को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक. पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स फॉर दिस साइकिल पॉजिटिव. ठीक. निगेटिव निगेटिव मीन्स दोनों माइनस माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव. ठीक. नाउ दिस इज पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव. ठीक. नाउ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव मींस ये होगी हमारी नेगेटिव. तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन इसका हमारा. अब हम दो फ्रीक्वेंसीज लेंगे, कैरियर फ्रीक्वेंसीज लेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी की एक लो फ्रीक्वेंसी की. ठीक. फर्स्ट लेती हूं मैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव. अब दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा, fs जो होगी दैट इज 1.5 fb और fl जो होगी दैट इज fb. ये हमारी fl है, इसके लिए हमने क्या लिया, fb मींस की 1 बिट ड्यूरेशन. ठीक है. ये हमारी fl हो गई, दैट इज इक्वल टू fb. अब हमें क्या चाहिए, fh. fs इज इक्वल टू 1.5 fb मींस की 1.5 टाइम्स होगी इसकी, वो बनाते हैं. ठीक है. अब यहां पर क्या हो जाएगी, 1, 2, 3. ठीक है. ये हो गई 1.5 टाइम ऑफ दिस. ठीक है. ये हो गई हमारी fh और ये हो गई हमारी fl. नाउ अब हमें जो फाइनली MSK की आउटपुट मिलेगी वो कैसी होगी, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फेज ऑफ बोथ पल्सेस. अगर सेम होंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी, इफ फेज इज डिफरेंट तो लो फ्रीक्वेंसी. इसमें हमें क्या देखना है, फेज ऑफ ऑड एंड इवन, +1 +1 -1 +1. ठीक. +1 +1 मींस की सेम फेज है, मींस की fh. ठीक है. -1 +1 है, डिफरेंट फेज है, मींस क्या होगा, लो fl. फेज सेम फेज में रहेगा, फेज चेंज नहीं होगा. और नेक्स्ट यहां क्या है, माइनस माइनस, दिस इज माइनस दिस इज माइनस. ठीक है. ये भी माइनस माइनस है, ये भी माइनस माइनस है, मींस की बोथ के सेम फेज है, मींस हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक. नेक्स्ट दिस इज माइनस दिस इज प्लस, मींस की डिफरेंट फेज, तो यहां क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी. डन. नेक्स्ट प्लस 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 प्लस. ठीक है. बोथ में प्लस प्लस है, मींस हाई फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द फाइनल MSK वेव. ठीक. MSK ट्रांसमीटर, इन केस ऑफ MSK ट्रांसमीटर ऑन MSK जनरेशन. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर MSK जनरेशन. तो इन दिस केस फर्स्ट इज क्या होगी, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. इट हैज टू इनपुट्स. फर्स्ट इनपुट इज साइन ओमेगा CT, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव. एंड सेकेंड इनपुट इज कॉस 2πt बाई 4tb, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी. आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को हम अप्लाई करेंगे टू बैंड पास फिल्टर. फर्स्ट हमारा होगा बैंड पास फिल्टर 1 एंड सेकेंड हमारा हमने लिया लेट बैंड पास फिल्टर 2. दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेंटर्ड होंगे और जिस पर सेंटर होंगे उसे पास करेंगे, उससे ज्यादा या उससे कम की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे. नाउ अब हम क्या यूज करेंगे, 1 एडर एंड 1 सब्ट्रैक्टर. ठीक है. तो यहां पे प्लस
और ये प्लस, ठीक है. इन दिस केस ये माइनस एंड ये प्लस, ठीक. एंड आउटपुट ऑफ दीज, दिस एडर इज अप्लाइड टू वन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड सबट्रैक्टर इज ऑल्सो अप्लाइड टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. जो यहाँ का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर होगा ऑड बिट का, मीन्स अंडर रूट टू पी एस बी ऑड टी. ऑड बिट का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा इवन बिट का, ठीक है. नाउ आउटपुट ऑफ बोथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज अप्लाइड टू वन मोर एडर, ठीक है. एंड आउटपुट ऑफ दिस एडर इज फाइनल एम एस के एस टी, ठीक है. तो ये हमारी फाइनल एम एस के हो गई. नाउ अगर अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, तो आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज इक्वल टू साइन ओमेगा सी टी कॉस 2 पाई टी बाई 4 टीबी. इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 साइन ए मीन्स ओमेगा सी प्लस बी. ए प्लस बी मीन्स 2 पाई बाई 4 टीबी टी, ठीक है. देन प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई 4 टीबी एंड टी, ठीक है. तो नाउ अब हमारा जो फर्स्ट बैंड पास फिल्टर होगा, ये हमारा सेंटर्ड होगा ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टीबी पर, एंड ये जो हमारा सेंटर्ड होगा ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई 4 टीबी पर. आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 1 विल बी इक्वल टू, किसे पास करेगा, सिर्फ इसे पास करेगा, इसे ब्लॉक करेगा, 1 बाई 2 साइन ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टीबी टी, ठीक है. नाउ आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 2, आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 2, दिस इज सेंटर एट दिस, मीन्स कि इसे पास करेगा, इसे ब्लॉक करेगा, तो ये क्या होगी, 1 बाई 2 साइन ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई 4 टीबी टी, ठीक. नाउ अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि आउटपुट ऑफ दिस एडर इज एक्स वन टी एंड आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्टर इज वाई वन टी. तो नाउ अगर हमने एक्स वन लिखा, तो एक्स वन क्या होगा, समीशन ऑफ दीज टू, इसका एंड इसका, जो कि हमें ये मिल रहा था, मीन्स कि एक्स वन टी जो होगा दैट इज बेसिकली साइन ओमेगा सी टी कॉस 2 पाई टी बाई 4 टीबी, ठीक है, ये हो गया. नाउ वाई वन टी क्या होगा, वाई वन टी जो होगा डिफरेंस होगा 1 बाई 2 साइन ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टीबी टी माइनस साइन ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई 4 टीबी टी, ठीक है. तो नाउ इस ये फॉर्मूला हमारा किसका होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए साइन बी. तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी साइन 2 पाई बाई 4 टीबी, ठीक है. नाउ एक्स वन एंड एस टू मल्टीप्लाइड विथ ऑड बिट एंड इवन बिट, एंड आफ्टर दैट हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो अगर हमने एक्स वन टी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स वन टी मल्टीप्लाइड विथ दिस मीन्स अंडर रूट 2 पी एस बी ऑड टी, एंड y1 t मल्टीप्लाइड विथ इवन बिट मीन्स की अंडर रूट 2 पी एस बिट इवन टी, ठीक है. नाउ अगर हम x1 x2 की वैल्यू को पुट कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 पी एस बिट ऑड टी साइन ओमेगा सी टी कॉस 2 पाई टी बाई 4 टी बी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 पी एस बिट इवन टी कॉस ओमेगा सी टी साइन 2 पाई टी बाई 4 टी बी. हम इसको एक्सपेंड करें, अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दिस वन, ठीक है, एंड इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दिस वन, ठीक है, बस वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ. तो ना हम अगर इनकी वैल्यू, इनको एक्सपेंड करें, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अंडर रूट 2 पी एस बिट और टी. आप डायरेक्टली यहां से भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप फिर से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, बी नॉट टी, इसको हमने एक्सपेंड किया, डिवाइडेड बाई 2 साइन ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टी बी टी, ठीक है. एंड दूसरा टर्म ये होगा, मीन्स प्लस साइन ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई 4 टी बी, दिस टर्म, ठीक. सेम वे अब इसको हम लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 पी एस पी बिट इवन बाई 2 अंडर ब्रैकेट साइन ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टी बी एंड टी माइनस साइन ओमेगा सी माइनस 2 बाई 4 टी बी, ठीक है. नाउ अब हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ करें कॉमन लें, तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 पी एस, इसको अगर हमने बाहर लिया तो ये क्या होगा, मान लो सपोज मैंने कॉमन लिया साइन ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाई 4 टी बी
टी को, तो इसके साथ टर्म क्या आएगा, बिट ऑड टी प्लस बिट इवन टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ सेम वे अब हमने किसने लिया, हमने लिया माइनस वाले ओमेगा सी माइनस 2 को, तो यहां पे बिट ऑड माइनस बिट इवन आएगी, मींस कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्लस अंडर रूट 2 पी एस अंडर ब्रैकेट बिट ऑड टी माइनस बिट इवन टी डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाय 4 टी वी एंड टी, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेट सी एच जहां एडिशन हो रहा है, इसको हमने एक वेरिएबल से शो किया, तो ये क्या होगा, बिट ऑड प्लस बिट इवन टी डिवाइडेड बाय 2 एंड हम जहां माइनस हो रहा है इसको लेते हैं सी एल, ये क्या होगी, बिट ऑड टी माइनस बिट इवन टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। नाउ अब फ्रीक्वेंसीज का देखते हैं, यहां हाई फ्रीक्वेंसी है क्योंकि कैरियर में भी ऐड हो गया, यहां कैरियर से माइनस हुआ, तो हम ले लेते हैं इसको ओमेगा एच इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस 2 पाई बाय 4 टीबी एंड ओमेगा एल इज इक्वल टू ले लेते हैं ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाय 4 टीबी। नाउ अब हमने अगर ये वैल्यूज ले ली तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन हमारी इक्वेशन हो जाएगी एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पी एस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एच एंड ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा एच टी प्लस अंडर रूट 2 पी एस सी एल साइन ओमेगा एल टी, ठीक है। तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। इन दोनों केसेस के लिए दो केस बनते हैं, इफ केस वन क्या होगा, केस वन इफ बी ऑड इज इक्वल टू बिट इवन, अगर दोनों ही इक्वल हो तो दिस वैल्यू विल बी सी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और अगर ये दोनों ही प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई 2 मीन्स की सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइदर प्लस वन और माइनस वन, कैसे, अगर ये दोनों ही वन है तो इनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, अगर दोनों ही माइनस होंगे तो क्या होंगे, माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा, माइनस वन। एंड केस टू क्या बनेगा, केस टू इज इफ बिट ऑड इज इक्वल टू माइनस बिट इवन, इन दिस केस क्या होगा, सी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन दिस केस सी एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने बी नॉट बी ऑड को इक्वल किया माइनस बी इवन, तो ये क्या हो जाएगा, 0। एंड इस टर्म में हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा सी एल इज इक्वल टू प्लस वन माइनस वन, कंस्टेशन डायग्राम। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारी इक्वेशन है एस टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 पी एस है सी एच, अगर हम इसके साथ टी एस से डिवाइड एंड टी एस से मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो इन दैट केस अब हमने अगर ये किया तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा एच टी प्लस अंडर रूट 2 पी एस सी एल, यहां पर भी टी एस बाई टी एस, यहां क्या होगा, साइन ओमेगा एल टी, ठीक। नाउ इसको रीअरेंज करें तो हम ले लेते हैं पी एस टी एस सी एच अंडर रूट 2 बाई टी एस साइन ओमेगा एच टी, इधर हो जाएगा प्लस पी एस टी एस सी एल अंडर रूट 2 बाई टी एस साइन ओमेगा एल टी, ठीक है। ये हमारा, नाउ दिस इज बेसिस फंक्शन phi h एंड दिस इज बेसिस फंक्शन phi l, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट, इट कैन बी रिटन एज ई एस, ठीक है, ई एस सी एच, ये क्या हो जाएगा, phi h t प्लस अंडर रूट ई एस सी एल, और ये क्या हो जाएगा, phi l t। ये तो मैं इक्वेशन यहां पे लिख लेती हूँ। अब हम इसका सिंगल स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पर हमने ले लिया phi h t को, इधर हमने ले लिया phi l t को, ठीक है। नाउ अब हमारे ऑड और इवन बिट्स होंगे, इस कोऑर्डिनेट में हमारी क्या है, 1 एंड 0, अगर ये 1 0 है तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बिट ऑड हो गई और ये हमारी बिट इवन हो गई। मींस की अगर बिट ऑड 1 और बिट इवन 0 है, मींस की एम्पलीट्यूड फॉर बिट ऑड क्या हो जाएगा, बिट ऑड का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस 1 एंड बिट इवन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो नाउ सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम यहां वैल्यू पुट करें तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड सी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में अगर हमने ये वैल्यू पुट की तो 1, ठीक है। तो अब सी एल हमारा क्या था, phi l का, मींस कि हमें कहां मिलेगा पॉइंट, यहां पर, ठीक है। नाउ सेम वे अब हम, ठीक है, नाउ अगर हम यहां पर देखें, सपोज इस कोऑर्डिनेट में हमारी जो बिट होगी वो क्या होगी, 1 1, क्योंकि यहां पर हमारा साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहां हमारी क्या है, 1 1, अगर ये दोनों ही 1 होगी मींस कि दोनों एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होंगे, इन दैट केस सी एच की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और सी एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मींस ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म हमें मिलेगा, मींस हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है, ये हमें सी एच मिलेगा, यहां पे हमें सी एच की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 एंड सी एल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, इन दिस केस इस पॉइंट पर हमें सी एच की वैल्यू क्या मिली थी, 0 एंड सी एल की वैल्यू क्या मिली थी, 1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पॉइंट्स होंगे इधर भी, यहां पर जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट फॉर 0 एंड ये होगा हमारा फॉर
01, ठीक है। तो नाउ अभी हमें दो पॉइंट से काम चल पता चल जाएगा। डी मिनिमम मींस की डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। नाउ अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेट दिस इज डी मिनिमम, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, इस टर्म में सी एच की वैल्यू जीरो हुई, मींस की ये टर्म जीरो हुआ, सी एल वन हुआ, मींस की ये जो एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, ई एस, कहां तक, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सेम वे यहां क्या होगा, दिस इज अंडर रूट ई एस, ठीक है। तो नाउ डी मिनिमम क्या हो जाएगा, यहां निकालते हैं, डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू टू ई एस। ई एस इज द सिंबल एनर्जी, सिंबल हमारी दो बिट का कॉम्बिनेशन है, और अगर हमें बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू टू ई बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू टू अंडर रूट ई बी। ये डी मिनिमम किसका हो गया, फॉर एम एस के, ठीक है। दिस इज द कॉन्स्टेलेशन डायग्राम एंड दिस इज द डी मिनिमम। नाउ अब हमें डी मिनिमम पता चल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज गिवन बाई 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन डी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ईटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो पीई विल बी इक्वल टू 1/2 ई आर एफ सी, डी मिनिमम इज 2 अंडर रूट ई बी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ईटा इज इक्वल टू 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन अंडर रूट ई बी बाई ईटा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर एम एस के। नाउ एम एस के रिसीवर, एम एस के रिसीवर है मीन्स की इन दिस केस वी रिसीव द सिग्नल एंड वी रिकवर और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल, मैसेज सिग्नल जो कि ट्रांसमिट हुआ था। मीन्स की इनपुट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ जो इनपुट होगी वो हमारी होगी एस टी, मीन्स की एम एस के वेव, ठीक है। ये हमने रिसीव किया। नाउ जब हमने इसको रिसीव किया, हम इसको अप्लाई करेंगे टू प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, फर्स्ट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहां पर हमारा बेसिस फंक्शन क्या होगा, फाई एच टी, और यहां हमारा क्या होगा, फाई एल टी, ठीक है। इन दोनों से आफ्टर दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ये जो हमारे सिग्नल होंगे इनको हम पास करेंगे लो पास फिल्टर को, मींस की इंटीग्रेटर को, और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे ये करेंगे फॉर 2 TB टाइम, मींस की सपोज यहां इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 TB टाइम के लिए, ठीक है। एंड यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा, लेट दिस इज फ्रॉम -TB to TB, तो हमारा टोटल क्या हो गया, 2 TB, ठीक है। देन आउटपुट ऑफ दिस लो पास फिल्टर, आउटपुट क्या होगी, ये कैरियर सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, मींस कि ओमेगा सी के कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वेव को पास करेगा। नाउ आउटपुट ऑफ दीज लो पास फिल्टर अप्लाइड टू डिसीजन डिवाइस। नाउ डिसीजन डिवाइस क्या करेगा, इसके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, दैट इज जीरो, यहां पर भी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट होगी एट जीरो, मींस बेसिकली डिसीजन डिवाइस आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर होगी उसको कंपेयर करेगी विद जीरो। इफ आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन डिसीजन विल बी इन फेवर ऑफ वन, मींस कि हमने क्या रिसीव किया, वन वन। अगर आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन डिसीजन विल बी इन फेवर ऑफ जीरो, मींस हमने क्या रिसीव किया, जीरो, ठीक है। ऑफ दीज टू अप्लाइड टू अ स्विच कह सकते हो, या एक लॉजिक डिवाइस कह सकते हो जो इंटरलीविंग फेज, ठीक है। देन आउटपुट ऑफ बोथ डिसीजन डिवाइस इज अप्लाइड टू अ स्विच, ठीक है। ये स्विच 1/1 पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्विच एट टी इक्वल टू KTB, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ ऑफ MSK, जब हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो जो मेन लोब होता है फॉर MSK दैट इज मोर देन द QPSK। अगर हम QPSK का ड्रॉ करें तो QPSK का हमारा कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ये होता है QPSK में हमारा FB/2 पर, यहाँ होता है FB/2, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, ठीक है। बट इन केस ऑफ MSK ये हमारा किसका हमने बनाया, QPSK, ठीक है। तो मेन लोब ऑफ MSK इज ग्रेट मोर देन द QPSK, तो वो हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके बिट्स क्या होगी, बैंडविड्थ हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्या होगी, 0.75 FB, क्योंकि यहाँ 0.5 थी, अब उसका हाफ और इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, 0.75 FB। सेम वे यहाँ पर 0.75 FB विथ माइनस। तो नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ, ये होगी इसकी बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 0.75 FB माइनस माइनस 0.75 FB इज इक्वल टू 1.5 FB, ठीक है। दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ MSK, याद रखना है, मेन लोब ऑफ MSK इज ग्रेटर देन QPSK, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम शिफ्ट कीइंग। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।